योगी के लिया है कि नहीं, और फिर इधर मेरे पास आए और अब और आपको के पास एक और चांस हाथ खेलने का, नो बॉल फ्री हिट, चक्का लगा चुका है, अब फ्री हिट दिया गया, जान फ्री हिट के साथ आए, अच्छी शॉट, ग्राउंड शॉट है, फील्डर मौजूद है, काफी दूर है, और कमबैक रिजवान की तरफ से, और अगेन बहुत ही खूबसूरत शॉट, लेग स्टंप पर बुलंद, परुनम गोरा जुर्माने है, खूबसूरत शॉट सनी की बैट से, तैयार कला उड़ाने की, क्या फायदा उठा दिया सनी ने, पहली ओवर का खेल जारी, रिजवान एक बार फिर सामने है, सनी आए गेंद की, अगेन बहुत अच्छी शॉट है, फील्डर मौजूद है और सिर्फ एक ही रन, को इस साइड से उधर और इस साइड से इधर, शेजाद लेफ्टी स्ट्राइक पर आ गया, इस ओवर में खूबसूरत चक्का लगा चुका है शहजाद लेफ्टी ने, एक बार फिर आए अपने को प्लस टू, और अच्छी शॉट हो सकता है, फील्डर भी मौजूद है, अभी टेस्टिंग 11 को, और जितनी भी तारीफ की जाए उस कैच की जो कि शीदी ने बहुत ही दूर से यह कैच पकड़ा, लास्ट बॉल है इस ओवर का मेरे ख्याल में, रिजवान एक बार फिर आए गेंदी, अगेन कैच है दूसरी कामयाबी, बैक टू बैक विकेट, और हम आपको बताते चले कि अगर हैट्रिक की तो बिल्कुल 500 का नकद इनाम होगा बॉलर के लिए, तो अभी भी हैट्रिक पर मौजूद, और नासर लेफ्टी जो के प्रैक्टिस के लिए जा रहा है, बहुत बड़ा नाम है लेकिन इस टूर्नामेंट में बिल्कुल देखने को नहीं मिला, अनफिट था इसलिए, एक ओवर के अख्तितम पे स्कोर है 16, बहुत बड़ी बहुत के पहली ओवर में है, लेकिन बहुत ही कामयाब विकेट शहजाद लेफ्टी और आयास की, और शेजी ने दोनों कैच ले ली, एक तो आसान था लेकिन पहले वाला बहुत ही दूर था, बहुत बड़ा है सर, जब उसका बल्ला चलता है तो वो फिर छक्कों की ले जाता है, सामने है सनी पठान, उमेर आए अंपायर को क्रॉस किया, सामने है सनी पठान, और खूबसूरत बॉल टर्नमैन की तरफ, एक ही रन लग बाय का रन, अब सारे कैमरे नहीं आ सकते, उमेर एक बार फिर सामने है शाफाह 360 आए, और खूबसूरत बॉल एक ही रन,
वो फाइनल में बहुत अच्छी अच्छी कार्रवाई में सर अंजाम देते हैं। उमेर सामने है सरी आई गेंकी अच्छी शॉट टर्मेन की तरफ एक ही रन कामयाब ओवर। उमेर एक बार फिर सामने है शाफ़हत आई गेंकी और बहुत अच्छी डिलीवरी। अच्छी बॉल है उमेर की तरफ से अच्छी शॉट ग्राउंड शॉट है फील्डर मौजूद है एक रन बहुत ही कामयाब ओवर जारी है उमेर की। सामने है सनी पठान आई गेंद की अच्छी शॉट ग्राउंड शॉट है फील्डर मौजूद है और मिस फील्डिंग की वजह से चार रन। तो स्कोर देखना होगा दो ओवर के अहतमाम पर दो ओवर के अहतमाम पे स्कोर है 24 रन। और आज के इस मैच के मेहमान खसूसी अरबाज जरक लेकिन मसरूफियत की वजह से नहीं आया जो कि उसका राइट हैंड मंजूर इलाही को भेज दिया गया है। मंजूर इलाही जहां भी है वो अपनी ही जगह पे आ जाए। रिजवान सामने है सनी पठान आई अंपायर को क्रॉस की गेंद की खूबसूरत बॉल एक रन आसानी के साथ और सिर्फ एक ही रन तक महदूद और ये अंपायर इजहार में नो बॉल करार दे दिया कि ये डिसीजन सही है या गलत। अंपायर इजहार ने नो बॉल दे दिया है। अब देखना होगा कि क्या फैसला होता है। काफी सीनियर अंपायर है इस टूर्नामेंट के लेकिन फिर देखना होता है। और कप्तान को चाहिए कि वो नो बॉल चिक करे और जो भी फैसला है जल्द अज जल्द क्योंकि दूसरी इनिंग में फिर अंधेरा हो सकता है आप पर भी। क्राउड की भी वीडियो बना ले जो इस तरह और बहुत ही ऊपर वाला है तहसील उस्ताद आए और मसले को रफा दफा कर दिया। ये पीछे जो टीम बैठी है ना ये अपनी टीम है इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना इधर इधर दूसरे ओवर कर रहा है अपनी कोठी का फ्री है सामने है शाहफहद और अच्छी बॉल हो सकता है बिल्कुल ही खूबसूरत बॉल बीट कर दिया इस बार शाहफहद को बीट कर दिया। दोनों से फायदा नहीं उठाया खैबर ज़ल्मी ने तो इसी चाहते थे लेकिन नाकाम और अंपायर को दोनों हाथों को दिली से टकराना होगा क्योंकि ये गलती उससे हुई है। थैंक यू ओवर का खेल जारी शाफ़हत के सामने बिल्कुल बैट नहीं चलता है शाफ़हत का जिस तरह जिक्र किया था कि इसके और ये कैमरा बिल्कुल पीके बिल्कुल सामने है काफी तजुर्बाकार बॉलर है पीके और वो कैमरामैन भी जानता है इसे तो इसीलिए इनको टेक ऑफ करता है क्योंकि जहां भी पीएसएल और जितने भी मैच है वो देखे पीके को। एक बार फिर आए अच्छी शॉट यकीनी चार रन हल्का सा पुश कर दिया और खूबसूरत शॉट चार रन के लिए।
इस टीम के इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हैं मुराद साजिद और इजहार बिन्यामीन सारे बहुत अच्छे नाम हैं इस टूर्नामेंट के सामने शाफाक आए गेंदी और स्कोर है 31 तो 33 रन 3 ओवर के इख्तिताम पे उमेर एक बार फिर सामने है सनी पठान आए गेंदी और खूबसूरत बॉलिंग बारिश हुआ है तो दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगा बैटिंग बॉलिंग को बहुत तरजीह दे रहा है पिच आज जिस तरह पहले मैचों में था तो बिल्कुल मुख्तलिफ है आज उमेर सामने है सनी और बड़ा शॉट करना चाहते थे लेकिन नाकाम मौजूद है काफी तजुर्बाकार फील्डर लेकिन चार रन मिस फील्डिंग की वजह से चार रन बहुत ही अच्छी फील्डर लेकिन बहुत ही मैच फील्डिंग शिशार बिल्कुल हमारे सामने कोई फील्डर नहीं रोक सकता चार रन इधर कर दूं मैं इसका आवाज दे रही और यासर ने 100 रुपए का इनाम जीत लिया और ये 100 रुपए अपने नाम कर दिया एक बार फिर सुल्तान आए अच्छी बॉल बहुत अच्छी बॉल सनी पठान आए गेंद की और अच्छी शॉट क्या शॉट था से अच्छा है वो इतना घुमाना नहीं पड़ेगा आपको जैसे वो बंदा इशारा देखना होगा सही है वाइड बॉल एसनी ओ बिग शॉट देखना होगा किसने किस बैट्समैन के हक में बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन नाकाम हुए इसके साथ ही ओवर खत्म हुआ अगर उधर सामने से बनाओगे ना उस साइड से 11 की तरफ से असफल दीवार आए बॉलिंग करने के लिए सामने है शाफहत 360 और बॉल को जाने दिया वाइड बॉल इख्तिताम तजीर करता है एक शावर इतनी नहीं है यार इधर छठे ओवर का खेल जारी एक बार फिर आए सुल्तान सामने शाफत बहुत ही खूबसूरत बॉल असफंदियार की तरफ से खूबसूरत बॉल बहुत अच्छा कमबैक राजा 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 और हम आए भी प्रॉपर्टी पे अच्छी शॉट खेलना चाहते थे लेकिन नाकाम और इस हार आसमान पे उड़ेंगे तो क्रस की और अगेन अच्छी शॉट हो सकता है फील्डर भी मौजूद है उमेर ड्रॉप कर दिया अच्छी बॉलिंग विकेट आ सकती थी लेकिन बदकिस्मती सामने शाहसाहत अच्छी बॉल बहुत अच्छी बॉल सब कुछ आता है छह ओवर के अहतमाम पे स्कोर है अमला वाले को जो कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट चलाई है इस चांदवारी क्रिकेट ग्राउंड पर और आतिफ रशीद की तरफ से 5000 का इनाम इंतजामिया वाले को आतिफ रशीद की तरफ से 5000 का इनाम इंतजामिया की तरफ से
एक बार फिर आए, अच्छी बॉल, खूबसूरत बॉलिंग, बहुत ज्यादा बहुत टफ बॉलिंग, फिर सामने है मुदस्सिर, अच्छी बॉल और दो रन का इजाफा स्कोर में मजबूत सामने और कैच हो सकता है लेकिन फोकस में जब ऑब्जेक्ट दूर चले जाते हैं तो फिर भी स्कोर करने लगते हैं, ऑटो फोकस में रहता है, मैनुअल में नहीं रहता। और हम गपार बाबा को वेलकम करते हैं क्रिकेट ग्राउंड पर, बेहतर क्रिकेट ग्राउंड पर, और ड्रेसिंग रूम में हमारे पास ये गार्डनिंग है ना, प्लीज हमारे सामने आ जाए गपार बाबा, रिजल्ट तो वो होता है ना, आप लोग तो जो कैप्टन है पिच की टूर्नामेंट में बिल्कुल बाइकेटी से थे, हमारे मैचों को देखने के लिए आए रहते हैं, ये ऑटो ऑन कर दें, ए एफ ऑन कर दो तो करेगा सुल्तान, सामने है शाहत, सेम रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट आएगा, एक बार फिर आए गेंदी, अच्छी बॉल, ये और जितनी देर तक शाहत खड़ा है बहुत तहसीलात की टीम के इनसे, लेकिन इतनी ही खूबसूरत बॉलिंग तहसील इलेवन को बॉलर बहुत चाह चुके हैं इस मैच पर, बहुत ही लाइन ऑलन के साथ गेंद की है अभी तक, एक बार फिर आए और अगेन कुछ भी नहीं हो सकता है, दो रन और ग्राउंड शॉट हो सकता है, फील्डर भी मौजूद है और बिल्कुल इश्तिहार है फील्डर, काफी बहुत बड़ा प्लेयर और सिंगल विकेट नहीं की, और अच्छी शॉट हो सकता है, चार रन, इस बड़े मैच में बहुत ही अच्छी कमबैक बाजरों की तरफ से, 3-2 या 16-9 और हम अस्पंदियार सामने शाफाक आए गेंद की और सही नहीं आ रही थी ना इसकी वीडियो इसलिए, और हमें तो समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ अभी क्या कर, और पहले इनिंग्स का लास्ट बॉल है, एक बंदे के पास ले गए थे उसने इसकी सेटिंग ठीक की थी, लास्ट बॉल पहली इनिंग्स फाइनल का आए और खैबर जलमी ने 94 रन का टारगेट दिया, तो इस तरफ आ जाओ आहिस्ता इस तरफ लोग जा रहे हैं, वो लोग टारगेट छू दी 94 पकार ज्यादा मुरादा ए मुरादा
यार आप मैं आपको बताता हूं आप खड़े हो बैठो कहां कहां से फील करते हो करो।